जवेरा के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में अंशिका ब्यूटी पार्लर के द्वारा मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल छात्राओं ने बड़ी उत्साह से दोनों प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर विजेता बनकर के स्थान प्राप्त किया। पार्लर की संचालिका वैशाली तिवारी, श्रीकांत तिवारी, स्कूल प्राचार्य श्रीमती बिमला ध्रुवे सहित स्टाफ द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। अंशिका ब्यूटी पार्लर ने मेहंदी प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज किया जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा सेकंड रैंक आया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि आगे आप बच्चों को ऐसे ही प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे बढ़ें और अपना उज्जवल भविष्य करें। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस में बच्चों को यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा में ब्यूटी एंड वेलनेस पढ़ाती हूँ और बच्चों को सिखाती भी हूँ। उसी के तहत अंशिका ब्यूटी पार्लर से श्रीमती वैशाली तिवारी ने यहाँ पे एक प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें बच्चों ने बहुत प्रोत्साहित होकर भाग लिया और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे ताकि हमारे विद्यालय का नाम, हमारे ब्लॉक का नाम आगे रोशन होता। 21वें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवीरा में अंशिका ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती वैशाली तिवारी, जिनके माध्यम से विद्यालय में संचालित ब्यूटी एंड वेलनेस इस संकाय में छात्राओं ने बड़ी ही उमंग के साथ में विद्यालय की रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, जिसमें छात्राओं ने हिस्सा लिया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित किए, जिनको अंशिका ब्यूटी पार्लर की संचालिका, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती विधि ध्रुवे और विद्यालय के समस्त स्टाफ के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। उनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आने पर उन्हें प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि विद्यालय परिवार द्वारा दी गई, पुरस्कृत किया गया तथा विद्यालय में संचालित ब्यूटी एंड वेलनेस की संचालिका श्रीमती सीमा गुप्ता के द्वारा भी सतत प्रयासों से छात्राओं में एक नई ऊर्जा का संचालन किया जा रहा है, छात्राओं में एक नई पहुंच बनाई जा रही है तथा छात्राएं विद्यालयीन शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में भी अपना अच्छा नाम कर सकें, उच्च शिक्षा में अपना गौरव हासिल कर सकें। इस प्रकार की शिक्षा देकर स्वयं के व्यवसाय के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।